आखिर तुम मायूस क्यों हो? क्योंकि चुनौतियां तो हर काल हर परिस्थिति में मौजूद रही हैं और सामाजिक सत्ता का दमन चक्र हमेशा से चलता रहा है, लेकिन इन्हीं झंझावातों के बीच भी लोग लिखते, बोलते और लड़ते रहे हैं। आज से 2500 साल पहले भी तो तथागत गौतम बुद्ध को लड़ना पड़ा था शोषणकारी वर्णवादी धर्म के खिलाफ, और फिर मध्यकाल में कबीर, रविदास जैसे क्रांतिकारियों ने बिना डरे अपनी आवाज बुलंद की थी। विदेशी शासकों के तोप बंदूकों के सामने ही बिरसा, तिलका, सीधो कान्हो और रानी दुर्गावती गिडालू जैसे सैकड़ों आदिवासी शूरवीरों ने प्रतिरोध और अपनी अस्मिता की अलख जगाई। ज्योतिबा, बाबा साहब और पेरियार जैसों के सामने भी तो कई संकट थे, और तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच ही मान्यवर ने इतिहास पलट कर रख दिया। मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला ने भी दमन उत्पीड़न से जूझते हुए ही अपने लोगों को मुक्ति दिलाई थी। आज तो भारत में लोकतंत्र है, संविधान है, इसके साथ साथ आपका सोशल मीडिया भी तो है, और फिर वंचित जमातों में चेतना भी आने लगी है। तो बार बार संकटों, चुनौतियों और दमन से डर क्यों जाते हो? हमें अपनी विरासत को देखना पड़ेगा, लिखना, बोलना और लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और इसके बगैर कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है।